हेलो क्या नहीं क्या हुआ मॉम किसका फोन था जागृति का फोन था वो कह रही थी कि किडनैपर ने आराधना को गोली मार दी आराधना मर गई क्या गॉड यार कितना गा था तुमको इन सब में मत पड़ो यार लोग मरे जा रहे हैं खून हो गया है ये सब मजाक नहीं है हम अपने सर पे खून का इल्जाम नहीं ले सकते मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो मैंने मारा है क्या उसे इनफैक्ट मैं खुद शॉक्ड हूँ मैंने कभी नहीं एक्सपेक्ट किया था कि मर्डरर राधा को मार देगा मॉम अगर जय भाई को पता चल गया ना तो वो भी फ्लिप कर देंगे गॉड ये लड़की जिंदा थी तब भी मुसीबत थी अब मर गई ना फिर भी मुसीबत अरे मरे हुए इंसान को तो बख्श दो बॉस बॉस कॉलिंग हाँ तो उठाओ और इस बार अकेले में नहीं हमारे सामने बात करोगे तुम डालो स्पीकर पे हम भी तो सुने क्या चल क्या रहा है हम डैड सही कह रहे हैं आज आराधना भाभी को मरवा दिया कल को आपको मरवा देंगे तो हाँ उठाओ हेलो बॉस बॉस आपने आराधना को मरवा दिया मतलब इतनी जल्दी भी क्या थी हम डिस्कस कर सकते थे अच्छा तो अब मैं तुमसे डिस्कस करके डिसीजंस लूं अपने नहीं नहीं मेरा कहने का वो मतलब नहीं था अब बॉस वो मेरे घर की बहू है तुम ही तो चाहती थी ना कि उससे पीछा छूट जाए तुम्हारा तो हो गया अब मेरा दिमाग मत खाओ और टीवी ऑन करो क्यों ऐसा क्या है न्यूज में जितना कहा है उतना करो चेक करो इट्स अ गुड आज की ताजा खबर ड्रग स्कैम का मेन लॉट पकड़ा जाएगा वो भी बस कुछ ही मिनटों में मतलब वो लोग हमें ढूंढ रहे हैं पुलिस मैं नहीं जाऊंगा पापा मैंने कहा था बॉस मरवाएगा आकाश हम तो हर चीज में साथ में है ना खुशी में भी और गम में भी हेलो हम लोग इसमें साथ में नहीं है ये सब कांड तुम्हारा किया कराया है इसलिए जेल भी तुम ही जाओगी और सफर भी तुम ही करोगी अंडरस्टैंड आई बड़ी है मॉम डैड मैं तो वैसे भी अंडर 18 लगता हूँ ना मुझे तो रिहैब भेजेंगे राइट दरवाजा खोल प्रियांच ऐसा मत करो प्लीज मेरी बात मानो प्रियांच प्लीज ओपन द डोर प्रियांच दरवाजा खोलो प्रियांच क्या कर रहे हो तुम प्रियांच दरवाजा खोल प्रियांच बाहर आओ उनसे बात कर प्लीज प्रियांच क्या हो रहा है यहाँ पर इंस्पेक्टर साहब आप यहाँ क्या कर रहे हैं ड्रग स्कैम का मेन लॉट पकड़ा गया है दैट्स गुड बट आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो क्योंकि इस पूरे गेम का मास्टरमाइंड यहीं पर है यही है यस आपको मतलब क्या है यहाँ कौन है मास्टरमाइंड प्रियांश लांबा व्हाट व्हाट क्या यस हमारे पास उनके खिलाफ सबूत है और उनके अगेंस्ट अरेस्ट वारंट भी हम उन्हें गिरफ्तार करने के लिए आए कहाँ है मिस्टर लांबा देखिए इंस्पेक्टर साहब आपकी कोई गलतफहमी हुई है मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता वो ऐसी हरकतें नहीं करता मेरा बेटा ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता हर माँ को अपना बेटा इनोसेंट ही लगता है मिसेस लांबा कोई भी माँ अपने बेटे को क्रिमिनल नहीं कहती मिसेस लांबा आप हटिए मेरे सामने से मुझे अपना काम करने दीजिए आप लोग हमारे काम में इंटरफेयर मत कीजिए आप हमें हमारा काम करने दीजिए यही है ना मिस्टर लांबा मिस्टर लांबा एक मिनट सर प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड रियांश ना इस वक्त बहुत डिस्टर्ब्ड है एंड आई एम श्योर कि आपके पास जो भी प्रूफ है ना वो सही नहीं होंगे इफ यू डोंट माइंड प्लीज कुड आई जस्ट सी दैट प्रूफ वंस तुम मुझसे आर्ग्यू करेगा नहीं नहीं सर बहसबाजी करेगा तू मैंने कहा ना कि तेरे बॉस के खिलाफ मेरे पास पुख्ता सबूत है अब जाके अपने बॉस को बोल बाहर निकले बोल सर मिस्टर लांबा आपके खिलाफ मेरे पास पुख्ता सबूत है बाहर निकलो आप इंस्पेक्टर साहब बात तो सुनिए जागृति तुझे क्या लगता है राधिका ये शक सही तो नहीं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है मिस्टर लांबा मिस्टर लांबा बात तो सुनिए देखो मुझे पता चल चुका है कि ये सब तुमने ही किया है मिस्टर लांबा दरवाजा खोलो वरना मैं दरवाजा तोड़ दूंगा इंस्पेक्टर साहब प्लीज मिस्टर लांबा आई सेड ओपन द डोर मिस्टर लांबा
इंस्पेक्टर साहब, इसे मैंने किया। हाँ? यस मैम। क्या? क्या? रियांश तू पागल हो गया क्या? तू क्या बोल रहा है? रियांश, have you gone mad? रियांश? रियांश कुछ तो बोल। इंस्पेक्टर साहब आपको गलत फहमी हुई है। सुनिए। अरे रियांश। इंस्पेक्टर साहब। Breaking news: Media tycoon Riyansh Lamba arrested. Big partner in drug scam. I'm loving this news. तुम ना ये पढ़ो, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा. You will also love it. In fact, you know what? मैंने ना इसकी 10 copies मंगवा ली है. मुझे ऐसा लगता है कि हर एक news ना frame बना के लगा दो हर जगह, मेरी चारों ओर. Why are you so happy? तुम्हें पता है ना, अभी घर में death हुई है. Yeah, I know, Baba. इसलिए तो 10 कॉपीज है, 5 रियांश के न्यूज की और 5 इस न्यूज की. आराधना सहानी का चौथा. एक्चुअली टू थिंक अबाउट इट, आई लव दिस न्यूज मोर. कम से कम मरे हुए लोगों का मजाक उड़ाना तो बंद करो. क्यों बंद करूं? उसने हमारा, जय का, वरुण का और स्पेशली मेरा जीना हराम कर दिया था. अरे जीते जी मार दिया था उसका क्या? अरे अजीब है वो लड़की. कभी रियाज कभी जय, कभी रियाज कभी जय, इसके तो ड्रामे ही नहीं खत्म होते. अरे मैं तो कहती हूँ अच्छा हुआ मर गई, पनौती निकल गई हमारी लाइफ से. एक्सक्यूज मी, हम अभी भी उसी के घर में रह रहे हैं, पता है ना? सो व्हाट, हम तो बस उसकी मदर इंडिया पर नजर रखने के लिए यहाँ पर है. पता है ना आपको, जो अभी फिलहाल तो म्यूट मोड पे है, लेकिन कभी भी रिंगटोन मोड पे आ सकती है. याद है मम्मा, इस साल होली पे कितना मजा आया. हमें लगा था कि ठंडी कम हो जाएगी और गर्मी बढ़ जाएगी, पर उल्टा ही हो गया, ठंडी कुछ ज्यादा ही हो गई. और मम्मा आपको पता है, फिल्म इंडस्ट्री में तो शादी का सीजन चल रहा है. अरे आपका फेवरेट आमिर खान, उसकी बेटी की शादी हो गई. और अपने एसआर के, उसका बेटा आर्यन डिट्टो कॉपी ऑफ शाहरुख खान. और रणबीर कपूर, वो तो बिजी है अपनी बेटी के साथ, पापा जो बन गया. आंटी, हम आपको अब ठीक तो ना? क्या करूं? प्लीज प्लीज कम डाउन आंटी. मामा प्लीज कम डाउन. मुझे क्या हो रहा है? आंटी को पैनिक अटैक आ रहा है, जागूंगी. हाँ मैं हाँ आंटी, अब ठीक तो है ना? आंटी प्लीज जागूंगी जल्दी. भक्ति आंटी, आप आपको क्या हो रहा है? अचानक से नहीं, क्या हो गया? पूछा कुछ समझ नहीं आ रहा है. मैं उन्हें इंजेक्शन दे देती हूँ. अभी जल्दी कर. अरे ये आवाज कैसी? रिलैक्स, ये वही होगा पैनिक अटैक भक्ति का. कहीं उन्होंने ये न्यूज़पेपर तो नहीं पढ़ लिया जो मैंने वहां पे अंदर रखा था? मुझे तो लगता है इस मदर इंडिया को पता ही नहीं है कि इनकी आराधना चल बसी है. इनफैक्ट आई थिंक कि मुझे जाकर ये न्यूज उन्हें देनी चाहिए. वो क्या है ना, बेटी के गम में मदर इंडिया भी चल बसेगी एंड इट विल बी इजी फॉर अस, राइट? चलो इनएक्ट करते हैं. ओके नाउ यू गेट अप और आप ना यहाँ पे ऐसे लेट जाओ बिल्कुल भक्ति जी की तरह. और प्लीज तुम्हारे ड्रामे में मुझे इन्वॉल्व मत करो. ओके आकाश, गेट अप. जो मैं कह रही हूं करो, यहां ऐसे लेट जाओ. हाँ गुड. आकाश व्हाट इज दिस, भक्ति जी की तरह?
समदन जी, मुझे आपको एक बहुत बुरी खबर देनी है। आपकी बेटी आराधना चल बसी, लेकिन उसने ना आपके लिए एक मैसेज भेजा है। वो चाहती है कि आप भी उसको ज्वाइन कर लो। क्या है, अकेली फील कर रही है ना, आप भी निकल लो। सुपर, वन मोर टेक। अरे ठीक तो था, तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? What the hell? Wow, क्या वीडियो बनाई है ना मैंने? सोच रही हूँ इसे पोस्ट कर दूँ। In fact, मैंने तो अकाउंट भी बना लिया है। And it is called Mrs. खुराना MCS. MCS? महाक्रूअल सास। What the hell? क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? क्यों नहीं होगी? मेरे पास ऐसे बहुत सारे वीडियो और ऑडियो हैं। सुनना चाहेंगे? सुनिए। मैं चाहती हूँ कि तुम उसकी लाइफ में आओ, पर अगर तुम भी यही चाहती हो ना, तो हमें गेम खेलना पड़ेगा। उस आराधना को मेरे बेटे की और हम सब की लाइफ से दूर फेंकना है। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ये सब करने की? यू माइंड यू मिसेस खुराना, मैं आराधना नहीं, पानी हूं। सो बी इन योर लिमिट्स, और आपका असली चेहरा तो मैं सबके सामने लाके रहूंगी। उनको सुला देते हम। आंटी ऐसा क्या देख रही थी जो उन्हें पैनिक अटैक आ गया? ये न्यूज़पेपर यहां किसने रख दिया? ये जरूर आंटी का काम होगा। हमारा पीछा छोड़ती नहीं, हमेशा हमें परेशान करती रहती है। मैं पेपर छुपा देती हूँ इससे पहले कि भक्ति आंटी फिर इसे देख ले। जागृति, पूजा, मम्मा को यहाँ पता नहीं है कि ती अब हमारे साथ नहीं है। जागृति, शांत हो जा, रोना बंद कर। देख, तुझे याद है ना राधी क्या कहती थी कि हमें कभी स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। ती कितनी स्वीट थी, कितनी अच्छी थी वो। कौन है जो मेरी दी को मारना चाहता है? रियांश तो अब जेल में है ना, सबके पीछे कौन है? जो कोई भी है ना, उसने हमारे साथ बहुत बड़ा चक्रव्यूह रचा है। राधी को रियांश पे शक करवाया, रियांश को जय पे शक करवाया, लेकिन कल्प्रिट इन सब में से कोई भी नहीं है। कल्प्रिट तो कोई और ही है। उसने हमारे साथ इतना बड़ा गेम खेला और हमें पता तक नहीं चला। वो जो कोई भी है ना, उसे इस खेल में जीतने नहीं दूंगी। उसने हमसे सिर्फ हमारी राधी को ही नहीं छीना, उसने एक लव स्टोरी खत्म कर दी। एक ऐसी प्रेम कहानी जो कभी पूरी नहीं हो पाई, अधूरी लव स्टोरी जो अधूरी रह गई। हाँ विक्रम, व्हाट क्या कर रही हो तुम? मुझे ब्लैकमेल करोगी? नहीं, पर्दाफाश करूंगी। उस दिन जब आप मुझसे टीम अप करना चाहती थी, मैंने तभी डिसाइड कर लिया था कि सबसे पहले आपका कॉन्फिडेंस जीतूंगी और फिर जय और आराधना को एक साथ लेके आऊंगी। आप ही के खेल में मैं आपके साथ खेल रही थी, और शुड आई से कि नाटक कर रही थी। आराधना के साथ लड़ना, उसके साथ बदतमीजी करना, वो सब कुछ नाटक था। मुझे तो बस ये जानना था कि आराधना क्या चाहती है। अगर वो रियान से प्यार नहीं करती तो मैं जय और आराधना को एक कर देती। <laughs>
चाहत थी ना तुम्हारी, लेकिन सब अधूरी रह जाएगी। मैं क्या करूं? एक बात कहूं, तुम जो ये सैक्रिफाइस कर रही हो ना, उसके लिए ना तुम्हें एक अवार्ड मिलना चाहिए। क्या नाम रखे इस अवार्ड का? हाँ, लवर्स सैक्रिफाइस अवार्ड। कितनी बेवकूफ हो ना तुम, तुम्हें क्या लगा तुम मुझे डबल क्रॉस करोगी? क्या कच्चा नींबू समझ के रखा है क्या मुझे? इस खेल की मैं सबसे बड़ी खिलाड़ी हूं। इतनी बड़ी कि आराधना ने कुछ करने के पहले मैंने उसका रिटर्न टिकट ही कटवा दिया। एक सेकेंड, क्या बोल रही हैं आप? रिटर्न टिकट आराधना, मतलब आराधना के खून आप? पूजा, पूजा क्या हुआ? क्या कहा विक्रम ने? विक्रम ने कहा कि उसे रियांश के केस में कोई लीड मिला है। ओ वाह, मतलब ये तो गुड न्यूज़ हुई ना। क्या क्या कहा उसने? उसने कहा कि असली कल्प्रिट, असली गुनेगार वो हमारे घर में है। व्हाट? मैं कुछ समझी नहीं। विक्रम को भी कुछ समझ नहीं आ रहा है कि अगर रियांश ने कोई कुछ किया ही नहीं है तो उसने ये गुनाह एक्सेप्ट क्यों किया, और अगर कल्प्रिट कोई और है तो कौन है? प्लीज बोलो। असली कल्प्रिट मिस्टर एंड मिसेस खुराना है। व्हाट? मतलब जय और रियांश दोनों इस केस में इन्वॉल्व हैं? कि सब किया धरा इन दोनों का है? ये दोनों ये सब कुछ कर रहे हैं ना, तो भक्ति आंटी का एक्सीडेंट, आराधना का डेथ, ये सब कुछ उस ड्रग्स स्कैम से रिलेट करता है। आई एम टेलिंग यू जागृति, ये दोनों बहुत बहुत डेंजरस है। पूजा, आपका असली चेहरा तो आप मुझे पहले ही दिखा चुकी हैं, उसके बाद भी आपकी बेईमानी पे मैंने ट्रस्ट नहीं किया। आराधना की सडन डेथ, उसकी किडनैपिंग, ये सब कुछ मुझे बहुत सस्पिशियस लग रहा था, पर अब ये लग रहा है कि बात कुछ और भी है। क्या चाहती हैं आप और क्यों कर रही हैं ये सब कुछ? पानी, मैं तुम्हें एक बात सजेस्ट करूं, तुम ना इन सब चक्करों में मत पड़ो। अपनी लाइफ को इन सब चीजों में क्यों इन्वॉल्व कर रही हो? बैक ऑफ। नो वे। आपको मुझे बताना होगा कि आप ये सब क्यों कर रही हैं, और आपके बेटे की हालत के पीछे आप ही है ना? आप ही ने उसकी खुशियां छीनी है ना? और आप शट अप कि... मैंने आराधना को नहीं मारा, लेकिन हाँ, तुम अगर ऐसी ही बकवास पक 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 करती रही ना, तुम्हारा खून मैं जरूर करूंगी। स्टूपिड गर्ल, आप तो कहीं पे काम नहीं करती है ना, ये बॉस कौन है? पानी, मेरा फोन दे दो। पानी, मेरा फोन दे दो। नहीं दूंगी। हनी, आप कुछ कहिए इसे, बॉस का फोन है, कहिए इसे फोन वापस करने के लिए प्लीज। पानी, डोंट बी डिफिकल्ट, दे दो फोन। मैं फोन नहीं दूंगी। पानी, फोन दे दो मुझे। मैंने कहा मैं फोन नहीं दूंगी। पानी, फोन नहीं, दो। नहीं, नहीं, ये कैसी आवाज? आई थिंक वी शुड चेक। नीता, नीता क्या कर रही हो? छोड़ो उसे। Are you fine? Are you okay? ये क्या हरकत कर रही हैं आप? Shut up! बानी के पास मेरा फोन था, मैं बस वो लेने की कोशिश कर रही थी। तुमने जो किया है ना, मैं इसे पुलिस के हवाले कर सकती हूँ। पुलिस तो मैं बुलाऊंगी, बताओ उन्हें कि ड्रग्स स्कैम बिजनेस में आप दोनों इन्वॉल्व हो। चुप रहो। बिल्कुल चुप रहो। तुम लोग समझते क्या हो खुद को, डिटेक्टिव हो?
नहीं मतलब, एक है जो प्यार में सैक्रिफाइस करने को तैयार है, एक है जो अपनी बहन का चौथा अकेले मना रही है, एक है जो पता नहीं यहाँ पे क्यों आई है। अरे क्या चल रहा है ये सब? मैंने बहुत सुना है और बहुत सहन किया है, लेकिन अब नहीं। अब अगर तुम लोग मेरे रास्ते में आए ना, तो तुम लोगों को पता भी नहीं है मैं क्या करूंगी। इसलिए मैं कह रही हूँ मेरे रास्ते से हट जाओ, वरना इट विल बी डेंजरस टू ऑल ऑफ यू। ये मेरी तुम्हें ओपन वार्निंग है। चलो यहाँ से। स्टूपिड्स। पानी, तुम ठीक तो हो ना? डोंट वरी, हम इसे छोड़ेंगे नहीं, लड़ेंगे इसके खिलाफ और आराधना को जस्टिस दिला के रहेंगे। सब कुछ बहुत खिचखिच सा है। ड्रग्स स्कैम, आरोही की मौत। इंस्पेक्टर साहब, आरोही नहीं, आराधना। हाँ हाँ, वही वही। और फिर रियांश ने भी तो इतना बड़ा घपला किया। आपसे कितनी बार कहा है इंस्पेक्टर, मेरे बेटे ने कोई गफला वफला नहीं किया है, उसे पैसों की जरूरत ही नहीं है, तो फिर वो ये सब क्यों करेगा? ऑफ कोर्स नहीं है, लेकिन आपका बेटा एक शादीशुदा लड़की के पीछे तो पड़ा था कई महीनों से। अरे ऐसे क्या देख रहे हो आप लोग? ऑफिस वालों से पता चला है कि वो शादीशुदा थी। वो शादीशुदा नहीं थी, क्योंकि वो पूरी शादी नकली थी। देखा, शादी में थी पर नकली शादी। पर आपका लड़का इन तीनों की जिंदगी में इतना रायता क्यों फैलाया था? हाँ, तीनों से याद आया कि जय कहाँ है? उसे आराधना के मौत का शौक लगा है। ये लो, उस नकली पति को अपनी नकली पत्नी की मौत का असली सदमा लगा है। हाँ, नाइस। इंस्पेक्टर साहब, प्लीज स्टॉप इट। आपको जितना पूछताछ करना है ना, प्लीज जल्दी कीजिए, हमें आराधना के घर भी जाना है। ओ, वैसे तुम दोनों को आराधना की बॉडी मिली क्या? नहीं, लेकिन उसकी बहन जागृति चाहती है कि आराधना के लिए अब एक लास्ट प्रेयर मीटिंग रखे। वो किडनैपर ने आराधना को तो मार दिया। आई थिंक शायद से उसकी बॉडी भी कहीं दफना दिया, एंड आई एम श्योर रियांश भी यही चाहता था कि आराधना के आत्मा को शांति मिले। फोन काट दिया आपने, कोई पर्सनल कॉल था क्या आपका? आप इस केस के इंचार्ज हैं और हम आपकी हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक रिक्वेस्ट है, प्लीज पर्सनल मैटर्स में इंटरफेयर मत कीजिए। क्या कहा आपने? कौन से आपकी बात कर रही हैं आप? सब तो वाइट वॉश कर रहे हैं आप लोग। हाँ, रियांश ऐसा नहीं कर सकता है, रियांश वैसा नहीं कर सकता है। आपके सबके सब फेवरेट लोग बेस्ट है क्या? विलन कौन है? कौन है विलन? इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको कितनी बार कहूं कि असली विलन, असली कल्प्रिट कोई और नहीं है, जय के पेरेंट्स है, क्योंकि वही सब में इन्वॉल्व्ड है। कैनेडियन, आपके फ्रेंड की महबूबा के नकली पिता के पेरेंट्स कातिल हैं, यही ना? लिसन मिस्टर विक्रम, मैं जो स्टेशन से वो मर्डर मिस्ट्री और क्राइम वाली बुक खरीदता हूँ ना, उसकी स्टोरी भी आपकी स्टोरी से ज्यादा बेटर होती है, तो इस बार मैं आप लोगों की बातों पर यकीन नहीं करूंगा। वीरेन बार बार फोन क्यों कर रहा है? लगता है कि कोई बार बार आपको परेशान कर रहा है। मैं कुछ करूं? हेल्प? आई मीन कि मैं पुलिस वाला हूं? नहीं थैंक्स, मुझे कोई हेल्प नहीं चाहिए। अरे नहीं नहीं, आप सिंगर हैं, आप सेलिब्रिटी हैं, तो आपके बहुत सारे फैंस होंगे, तो आपको बार बार कॉल करके परेशान कर रहे होंगे। इफ यू वांट, मैं फोन पर बात कर सकता हूँ जो भी आपका अनवांटेड फ्रेंड हो, मैं हैंडल कर सकता हूँ मैम। कहा ना मैंने, थैंक यू वेरी मच, लेकिन मुझे कोई हेल्प नहीं चाहिए, मैं फैंस और फोन कॉल्स दोनों को हैंडल कर सकती हूँ। हाँ तो क्या कह रहे थे मिस्टर विक्रम?
कि आपके प्राइम सस्पेक्ट जय के पेरेंट्स हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि किलर कोई और है। क्या? कौन? I'm sure कि उसका नाम सुन के तुम बहुत ही सरप्राइज्ड हो जाओगे। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं वो पहले मैंने आपसे पूछा, तो आप बताइए आप यहाँ क्या कर रहे हैं? लेकिन आप किसी को बताइएगा मत। एक्चुअली आई नो कि कादंबरी काफी दिनों से डरी हुई है, अपसेट है, आफ्टर आराधना'स डेथ एंड ऑल। मैं बस उसकी हेल्प करना चाहता हूँ। हेल्प? कैसी हेल्प? मतलब यहाँ आके कैसे? मैं तो मीडिया से और मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं, मुझे अपने नेटवर्क और कॉल रिकॉर्ड से ये पता चला कि आराधना के किडनैपर ने जो लास्ट कॉल किया था वो यहाँ इसी लोकेशन से किया था। कैसे हो सकता है? ट्रस्ट मी, मैं जो कह रहा हूँ वो सच कह रहा हूँ। और इनफैक्ट मैं ये बात किसी के साथ शेयर करना चाहता था, लेकिन मैं किस पे भरोसा करूँ जिसको मैं ये बात बता सकूँ? जो आपको बात पता है वो भी कहाँ सही है। आप किसी को भी बताएंगे ना तो कोई आप पे यकीन नहीं करेगा। अरे जो बात पुलिस को पता नहीं है वो आपको कैसे बता हो सकती है? वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि किडनैपर ने लास्ट कॉल यहाँ से किया था, और मुझे ये भी पता चला है कि उसका एक और साथी है जो इस केस में इन्वॉल्व्ड है। बताइए आपको क्या लगता है किलर कौन है? कौन है वो कल्प्रिट? क्या एक और चाय मिलेगी मुझे? रामू, इंस्पेक्टर के लिए प्लीज एक और कप चाय लाना। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि असली किलर मिसेस कादंबरी भी हो सकती है। क्या बकवास कर रहे हैं आप? ये क्या बकवास किए जा रहे हो आप? Why not? आराधना ने रियांश की लाइफ मेस अप कर रखी थी, और कौन सी माँ अपने बेटी की लाइफ को तकलीफ में देख सकती है? इनकी जगह कोई भी माँ होती तो वो भी यही करती। करती ना, पहले उस लड़के को बेटी की जिंदगी से वापस निकाल देती, और लड़की की जान उसकी माँ में थी तो पहले उसको मारा और उसके बाद उसकी बेटी को, और देखो माँ बच गई और बेटी बेचारी। इनफ इंस्पेक्टर, बहुत सुन लिया आपका बकवास, अब और सुन नहीं सकते। मैम चलो यहाँ से, बहुत हो गया। ओ लिटिल बॉय, तेरा चेहरा अच्छे से पढ़ लिया मैंने। जितनी तेरी उम्र है ना उसे 10 से मल्टीप्लाई कर दे, उतने किलर को पकड़ा है मैंने, वो भी बिना किसी सबूत के। और वैसे भी मैं देख रहा हूँ कि कादंबरी जी का फोन बहुत समय से बज रहा है, फोन साइलेंट है, लेकिन इनके चेहरे पे हजारों इमोशंस हैं। मैं यहाँ अपनी इंसल्ट करवाने नहीं आई हूँ। चलो विक्रम। और सुन मेरी बात मान, थोड़ा चौकन ना रहना, क्योंकि वो किलर या गुनहगार कोई भी हो सकता है, कोई भी। मैम चलिए। आप ना ऐसे कोई भी अजम्पशंस मत बनाइए। चलिए, मैंने तो बता दिया कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक आपने नहीं बताया कि आप यहाँ कैसे, और मैं इतनी देर से बता रहा हूँ आपको कि मेरे पास प्रूफ है, लेकिन आप बार बार मुझे गलत कह रही हैं। क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप सच जानती हैं, या आप यहाँ किसी से मिलने आई थी? अरे नहीं नहीं, मैं तो बस यहाँ से गुजर रही थी। और रियांश की माँ का कॉल? अच्छा हुआ कि उसका फोन आ गया। मैं काम करता हूँ, मैं कॉल उठा लेता हूँ और मैं उनको बता देता हूँ कि मैं यहाँ हूँ और मुझे यहाँ इतना बड़ा क्लू मिल गया। अगर इसने कादंबरी को बता दिया फिर सबके लिए बॉस और मुझे पकड़ना बहुत आसान हो जाएगा। नहीं नहीं, इसका मुंह बंद करना होगा, इसे रोकना होगा। ये आप क्या कर रही हैं? आप ऐसा नहीं कर सकती। मैं आपके हस्बैंड को इतने सालों से जानता हूँ, दोस्त है वो मेरा, और जितना मैं आपके बारे में जानता हूँ, आप ऐसा नहीं कर सकती। प्लीज, जो दिखता है वो हमेशा सच तो नहीं होता ना, और ये बात आपसे बेटर कौन जानता है। अब देखिए ना,
आपकी बीवी इतनी लो उसके बारे में मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। आप प्लीज चाकू चाकू हटा दीजिए, मुझे डर लग रहा है इससे। प्लीज निकलो यहाँ से, निकलो। मैं निकल जाऊंगा, लेकिन चाकू साइड कर दीजिए। अब सबसे पहले फोन ऑफ कीजिए। मैं फोन ऑफ करता हूँ। जल्दी चाकू हटा दीजिए प्लीज। फोन ऑफ कर दिया मैंने, ये देखिए। फोन मुझे दे दीजिए। नहीं, फोन तो नहीं दूंगा। फोन नहीं दोगे तो जान दे दो। मुझे चाकू दिखा रही हो, मुझे मारने की धमकी दे रही हो। कोई करता है अपने बॉस के साथ ऐसा? कोई नहीं। बॉस उशो बिलियनर बन के। यस बॉस। तुम्हारे बॉस ने तुम्हारे लिए सब कुछ कर दिया। यस बॉस। तुम खुश हो, बॉस भी खुश है, और इसके बदले में बॉस को एक गुरु दक्षिणा चाहिए। गुरु दक्षिणा बिल्कुल मिलेगी। वक्त आने पे मैं तुम्हें बता दूंगा कि क्या करना है। Meet the boss. I am the boss. जो तुम लोगों ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, जो तुम्हारी जिंदगी में आग लगा देगा। मिस्टर रेयांश लांबा एंड मिस आराधना सहानी, बॉस इज बैक। Cheers. Cheers. सेलिब्रेशन के लिए शैंपेन तो बनती है। ऑफ कोर्स। अमेजिंग, क्या गेम खेला है आपने। हर बार नए ट्विस्ट, नए टर्न्स, और जो आपने वो षड्यंत्र रचा था ना, जो फर्स्ट वीडियो सेंड किया, सुपर। वो सब प्लान करना मेरे लिए बहुत इजी था। एक आदमी को रियांश के जैसा ब्लेजर पहना दिया, दूसरे को सूट पहना दिया, दोनों के बीच में पैसा एक्सचेंज करवाया और एक वीडियो शूट कर ली। एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम मैंने आराधना के दिमाग में रियांश के खिलाफ शक के जहर का बीज बोया, और आराधना को ऐसा लगा कि रियांश ही कल्प्रिट है। और सेकेंड टाइम आप जो ऑफिस गए थे और जो तमाशा क्रिएट किया, सुपर। यस, मैं तो उस वक्त ऑफिस में ही था क्योंकि मैं कादंबरी से मिलने गया था। और उसके बाद मैं चेंज रूम में गया, वहां मैंने चेंज किया और जाके ऑफिस की लाइट्स और सीसीटीवी कट ऑफ कर दिया। उसके बाद मुझे वो मिला जो मैं हासिल करना चाहता था, आराधना सहानी और वो फाइल। वैसे जो भी हो, ये रियांश जर्नलिस्ट बहुत ही अच्छा है। इसने सारे सबूत ढूंढ निकाले थे, बस एक राज इससे छुपा रह गया कि सबके पीछे का बॉस मैं हूं। वो उस नकली सिम कार्ड के नाम के चक्कर में अटका रह गया, लेकिन मानना पड़ेगा कि रिसर्च उसने बहुत बढ़िया की थी। क्या फायदा हुआ, इतना अच्छा रिसर्च किया पर खुद को बचा नहीं पाया ना। बस वो और मेरा बेटा दोनों ने आराधना के पीछे अपनी पूरी लाइफ वेस्ट कर दी। नहीं 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 नहीं, नहीं। इसमें उनकी कोई गलती नहीं, ये कमबख्त प्यार है ही ऐसी चीज। अब मुझे देख लो, मैं भी तो उस औरत के साथ एक बंधन में बंध गया था, मालिनी। फाइन, मैं उसे कभी दिल से प्यार नहीं करता था,
लेकिन मैं इस बात से प्यार करता था कि मेरी एक फैमिली है, उस फैमिली के होने के एहसास से प्यार करता था। लेकिन जिंदगी में तकलीफ यही है जब आप किसी से प्यार करते हो और उस पर ट्रस्ट करने लगते हो तो वो इंसान या वो चीज आपका ट्रस्ट ऐसे तोड़ती है जैसा कोई नहीं तोड़ सकता। आराधना मेरी बेटी है। And after that, I just started hating her. Just hated her. पर मुझे लगता है कि कादंबरी अब भी आपसे प्यार करती है। करती थी, अब नहीं। अब वो अपने उस so-called husband की तरफ जा रही है। और वैसे भी मैं कादंबरी को मैनिपुलेट करने के लिए पहले उससे मिलने गया था, लेकिन वो अपना मेरा पति और मेरा देवता के चक्कर में फंसी हुई थी। बट जो भी हो, मिसेस खुराना, ये औरतें होती बड़ी अनप्रेडिक्टेबल हैं। कब क्या कर जाएं, किसी को कुछ पता नहीं। ये सब छोड़िए बॉस, आप ये बताइए कि ये सब ड्रग्स स्कैम एंड ऑल ये सब क्यों किया था? मतलब मैं समझी नहीं कि इसकी क्या जरूरत थी। तुमको क्या लगता है मेरा इसके पीछे क्या मोटिवेशन हो सकता है? चलो मैं तुम्हें ऑप्शंस देता हूँ। ऑप्शन ए, मैं और पैसा चाहता था और इसलिए रियांश लांबा के पीछे पड़ा हूँ। ऑप्शन बी, शायद इसलिए कि मैंने अपनी बेटी खो दी। ऑप्शन सी, आराधना और रियांश ही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी पनौती हैं। एंड ऑप्शन डी, वक्त ने किया क्या हसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम। मैं गलत रास्ते पे निकल गया और गलत काम करता चला गया। आप बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? बी और डी? नहीं, ये सारे ऑप्शन सही हैं। ये सारी वजह सही है। रियांश लांबा, उसने मेरी बेटी को मार दिया। उसकी स्टुपिडिटी और उस पागल प्यार के चलते उसने मेरी बेटी को इतना उलझा दिया कि उसे उसकी कीमत अपनी जान देके चुकानी पड़ी। और रियांश ने क्या किया? वो तो आगे बढ़ गया, मूव ऑन कर गया, उसके बाद आराधना के पीछे पड़ गया, हैप्पी गो लकी। ये सब देख के मुझे क्या करना चाहिए था? बदला लेना चाहिए था, और वही मैंने किया। मुझसे जो कुछ हो सका वही किया मैंने। हाँ, बदला, दिस इज द बेस्ट फीलिंग। लेट मी टेल यू बॉस, जब से आप आए हो ना, आई एम रियली फीलिंग बेटर, परफेक्ट। बिकॉज रियांश वो तड़प रहा है और तड़पेगा। वो मुझे हमेशा पैसे से प्यार था। मेरी देहरादून में जो मीडिया कंपनी थी उसको भी मैं चीप न्यूज और एडवर्टाइजमेंट्स पे चलाता था, जस्ट फॉर मनी। मुझे पैसे से तब भी प्यार था और मुझे पैसे से आज भी प्यार है, क्योंकि जिंदगी में मैंने एक चीज देखी है, जिंदगी में आपका साथ कोई भी कभी भी छोड़ सकता है, लेकिन एक ही चीज है जो आपके साथ हमेशा खड़ी रहती है, वो है आपका पैसा। लेकिन जब मेरी लाइफ बिखर गई, सब कुछ टूट गया, मैंने सोचा कि एक अच्छा आदमी बन के क्या हासिल किया मैंने? कुछ भी नहीं। तो मैंने सोचा कि ये सारे रूल्स रेगुलेशंस तोड़ देता हूं, उनको कुछ ऐसा करता हूं जिससे मैं ज्यादा से ज्यादा पैसा जल्द कमा सकूं। इसलिए मैं इस ड्रग्स के स्कैम में आ गया। जल्द से जल्द पैसा बना लूंगा और एंड में इस केस में रियांश को फंसाऊंगा, और फिर तभी मुझे आपके बारे में पता चला कि तुम भी इसी में फंसी हुई हो और तुम्हें हेल्प की जरूरत है। तो मैंने ये सोचा कि मेरी रिक्वायरमेंट के लिए तुम सबसे ज्यादा सूटेबल फिट हो। मेरे और आराधना और रियांश के बीच का परफेक्ट थ्रेड, इसलिए मैंने तुम्हें भी अपने साथ मिला लिया। परफेक्ट बॉस। और ये जो आपने आराधना को मार दिया ना, ये आपका परफेक्ट स्टेप था। अरे उस चिपकली को कितनी बार समझाया था मैंने, कितनी बार कहा था कि मेरे बेटे को छोड़ दो, कितनी बार उस लड़की को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो टूट कर भी टूटी नहीं।
और देखो आखिर में मर गई। ये तुमसे किसने कहा कि आराधना मर गई? मतलब आराधना, मतलब आराधना जिंदा है? हाँ, इसे ऐसे कैसे मरने देता? ये तो बहुत काम की चीज है। इसी की वजह से तो रियांश को मैं तड़पा रहा हूं। मतलब? मतलब ये जिंदा है, तभी तो रियांश ने वो ड्रग स्कैम की जिम्मेदारी अपने सर ले ली। उस दिन जब रियांश के साथ वीडियो कॉल पे मैंने कैमरा ऑफ किया तो मैंने आराधना को हिट करके उसे बेहोश कर दिया और उसकी जगह उसी के जैसे कपड़े पहनाकर एक लड़की को बिठा दिया और फिर उस नकली लड़की पे नकली गोली चलाई और सबको लगा कि आराधना मर गई। माय गॉड, मतलब आराधना जिंदा है? अरे मैं तो ऐसे ही 4 दिन से उसकी मौत की खुशी मना रही थी। आराधना जिंदा है इसलिए तो रियांश जेल में। मतलब आपके मास्टरमाइंड में कुछ और चल रहा है क्या? मतलब मैं समझी नहीं, क्या कनेक्शन है आराधना का जिंदा रहना और रियांश का जेल जाना? उस दिन जब रियांश ने मुझे आराधना को शूट करते हुए देखा उसके बाद वो कैबिन में चला गया। वहां मैंने उसे फोन किया और मैंने उसे विश्वास दिलाया कि आराधना जिंदा है, लेकिन फिर उसे काबू करने के लिए मैंने उसके सामने एक शर्त रखी कि उसे इस ड्रग स्कैम का इल्जाम अपने ऊपर लेना होगा और ये कमबख्त प्यार चीज है भी अजीब, शर्त मान गया वो। वाओ, ब्रिलियंट, क्या आइडिया है। वैसे बॉस आप ना इस चिपकली को जल्द से जल्द मार दो, ये लड़की ने ना नाक में दम करके रखा है। मिसेस खुराना, आपको क्या लगता है मैं टुच्चा सड़क छाप गैंगस्टर हूँ जो लोगों को मारता काटता फिरूं? नहीं नहीं, एक्चुअली इस सारी परेशानी की जड़ ना तुम ही हो। हर बार कुछ ऐसा कर देती हो कि हम प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। ये जय और रियांश को क्या बोला था तुमने हा? और तुम्हारा प्रॉब्लम क्या आराधना से इतना? हर बात पे आराधना आराधना, ऑब्सेशन है क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मैं अब क्या करूं? तुम जानना चाहती हो कि अब क्या करो? ये सुनो इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको कितनी बार कहूं कि असली विलेन असली कल्प्रिट कोई और नहीं है, जय के पेरेंट्स है, क्योंकि वही ये सब में इन्वॉल्वड है। उस दिन जब मैं ऑफिस में अटैक करने के लिए घुसा था तो मैंने वहां पे नैनी कैमरास और माइक्रोफोन्स लगवाए थे और ये रिकॉर्डिंग आज की है। विक्रम को टिप मिली है कि तुम इस केस में इन्वॉल्व हो। गॉड, मैं क्या करूं? तुम क्या करो? अब क्या करना? जेल में जाके चक्की पीसना और क्या करोगे? और अपने हस्बैंड के साथ जाके जेल में पार्टी करना, एंजॉय करो वहां। क्या बोल रहे हैं आप? मैं क्यों जेल जाऊंगी? और अगर मैं जेल गई ना तो क्या क्या करोगी तुम? मैं सबको बता दूंगी कि इस सब के पीछे मास्टरमाइंड आप हैं। मैं आपका नाम ले लूंगी। मैं अकेली नहीं फंसूंगी, मैं आपको भी फंसाऊंगी। मिसेस खुराना, क्या कर रही हैं आप? प्लीज प्लीज ऐसा मत करना। आप प्लीज मेरा नाम किसी को मत बताना। अगर तुमने किसी को बताया तो जान ले लूंगा तुम्हारी। तुम मेरा नाम लोगी, मुझे फंसाओगी। इससे पहले कि तुम मुंह खोलोगी जबान खींच लूंगा तुम्हारी। मेरा नाम किसी के सामने लेना सोचना भी मत, वरना सोचने के लिए बचोगी नहीं। और कुछ सोचती भी हो तुम क्या? कभी सोचती हो तुम्हें क्या लगता है ये इतना सारा गेम मैंने सेट किया, इस सब का मास्टरमाइंड मैं हूं, मुझे ही ब्लैकमेल कर रही हो? मुझे आराधना की तरह मामूली प्लेयर मत समझना जिसे तुम मैनिपुलेट करोगी, पीठ पीछे ये चाले चलोगी। एक सेकंड नहीं लगेगा मुझे तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाने में। एनीवेज, तुम्हें यहां बुलाया तो किसी काम से बुलाया है। वरुण को मेरे लिए एक और आखिरी काम करना होगा। क्या? वक्त आने पे बताऊंगा, तब तक अपना दिमाग और अपनी जबान दोनों पे काबू रखना, चलाना मत। मुझे अभी कहीं जाना है, दरवाजा बंद करना मत भूलना। मेरी प्यारी बहू रानी, तुम्हें पता है
मुझे ये आदमी बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन क्या करूं, तुम्हारे साथ और रियांश के साथ इसने जो किया ना, वो कोई और नहीं कर सकता था, इसलिए मुझे इसको अपने साथ रखना पड़ा। हाँ, इसकी बातें सुननी पड़ी। सच कहूं तुम्हें इस हाल में देखकर मेरे दिल को जो सुकून मिल रहा है ना, सो इट्स ऑल वर्थ इट। ओके देन, बाय, वी विल नेवर मीट अगेन। ज़्यादा मत देना। बस खाने का बिल्कुल मत। बस बस, तुम दोनों सच में बहुत अच्छे हो, लेकिन ये सब मेरे लिए करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे आंटी, अगर मुझे कुछ होता तो, या अगर मेरी मॉम अकेली होती, रियांश तो मेरी मॉम के लिए माउंटेन्स तोड़ देता, तो मैं तो क्या ही कर रहा हूँ। एग्जैक्टली आंटी, बिल्कुल सही बोल रही है। हम आपके लिए इतना तो कर ही सकते है ना। वैसे आंटी, आपकी कुछ बात हुई रियांश से? नहीं विक्रम, बिल्कुल बात नहीं हो रही। लॉयर्स कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि रियांश ने खुद ने इल्जाम अपने सर पे लिया है, तो उससे मिलने की परमिशन मिलना थोड़ा डिफिकल्ट है। पता नहीं आंटी, हो क्या रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रियांश ये ब्लेम अपने ऊपर क्यों लेता? क्योंकि जितना मुझे पता है, रियांश ये केस खुद सॉल्व करना चाहता था। इनफैक्ट वो उस कल्प्रिट तक पहुंचने ही वाला था, एंड आई डोंट नो, पता नहीं हो क्या रहा है। टेलिंग यू हैव अ वेरी बैड फीलिंग अबाउट दिस। मुझे लगता है ना, ये जो कुछ भी हो रहा है, इन सब चीजों के पीछे कोई एक ही इंसान है जो ये सब कुछ कंट्रोल कर रहा है, और यू नो, सब कुछ हमारे आंखों के सामने हो रहा है, बैक टू बैक हो रहा है, और हमें कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि किसी की नजर लग गई है, वरना ऐसा होता ही क्यों। फीरेन का मैसेज। कादंबरी, मैं तुम्हारे घर के बाहर हूँ, तुमसे अर्जेंटली बात करनी है, प्लीज मीट मी। बैक डोर से अंदर आ जाओ, मैं मिलती हूँ तुमसे। वैसे खाना खाने के बाद आप लोगों को अगर गेस्ट रूम में जाके रेस्ट करना है तो आप कर सकते हैं, मैं यहाँ थोड़ी देर रियाज करूंगी। सो स्वीट ऑफ यू, थैंक यू आंटी। खा लो जी। वीरेन, मैंने मना किया था तुम्हें यहाँ आने से, लेकिन आज मैं तुमसे मिलने या बात करने सिर्फ और सिर्फ रियांश की वजह से आई हूँ। मुझे कुछ भी करके मेरे बेटे को जेल से बाहर निकालना है। आई नो, रियांश को जेल से बाहर निकालने के लिए तो तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ मैं, क्योंकि मुझे उस ड्रग स्कैम के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पता चली है। हम लोग असली कल्प्रिट्स को पकड़ने के बहुत करीब हैं। मैं उन लोगों को जान गया। अच्छा, तुम अगर जानते हो तो बताओ। मिसेस खुराना, जय की मॉम, शी इज द मास्टरमाइंड। मुझे विक्रम ने भी बताया था, लेकिन मैंने तब भी बिलीव नहीं किया, और आज भी मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मिसेस खुराना मास्टरमाइंड हो सकती है। तुम्हारे पास कोई सबूत है? कादंबरी, बहुत साल हो गए मुझे इस मीडिया इंडस्ट्री में, मुझे अच्छी तरह से पता है कि सोर्सेज को कहाँ यूज करना चाहिए और कैसे असली इन्फॉर्मेशन निकाली जाती है। तुम्हें अगर कुछ पता है तो प्लीज बताओ, प्लीज मेरी हेल्प करो, तुम्हें जो चाहिए वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। पक्का? पक्का वीरेन, मुझे कुछ भी करके मेरे बेटे को जेल से बाहर निकालना है। आराधना की डेथ के बाद पता नहीं हुआ ये सदमा उस कैसे होगा, वो किस हाल में होगा, मुझे उसकी बहुत फिक्र होती है। मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए कादंबरी। बता। मुझे तुम्हारी कंपेनियनशिप चाहिए, तुम्हारा साथ चाहिए। वीरेन, कैसी बातें कर रहे हो वीरेन, हम कोई कॉलेज में नहीं है। कादंबरी, प्यार की कोई उम्र नहीं होती है, हम इंसान हैं, और इंसान को जिंदगी में एक साथी चाहिए होता है जिसके साथ वो जिंदगी बिता सके, कोई ऐसा जिसके साथ बाल सफेद हो जाए। यू नो कादंबरी, मैं इमेजिन करता हूँ कि तुम रियाज करके थक के लौट आओ,
तो मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद की कटिंग चाय बनाऊं, तुम्हारे हर एक कॉन्सर्ट की फ्रंट सीट की रो बुक करूं और तुम्हें वहां से चेयर करूं। तुम हंसो तो मैं हंसू, तुम खुश हो तो मैं खुश हूं। नहीं वीरेन, वीरेन मेरा एक बेटा है, मेरी फैमिली है, प्रियांश जेल में है, मैं ये सब मैं अपनी फैमिली को छोड़ के कभी नहीं आ सकती और मैं तुमसे भी ये कभी एक्सपेक्ट नहीं करूंगी। तुम्हें भी ऐसा नहीं करना चाहिए। प्लीज कादम्बरी प्लीज, देखो हमें अपने आप को एक मौका तो देना चाहिए। मैं तुम्हारे हस्बैंड से बात कर लूंगा। विवेक से तुम क्या बात करोगे? वो तो जानता ना कि तुम मुझसे प्यार करती थी। मैं उससे एक बार मिलूंगा, उसे समझाने की कोशिश करूंगा, उसे एक्सप्लेन करूंगा। नहीं नहीं, इस सब में विवेक को प्लीज इन्वॉल्व मत करो। प्लीज कादम्बरी प्लीज, मुझे कम से कम बस एक बार उससे बात कर लेने दो, और अगर वो मना करता है तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि पलट के एक बार भी तुम्हारी तरफ नहीं देखूंगा। पर फिर और कुछ नहीं, मैं सब हैंडल करूंगा, ये उसके और मेरे बीच की बात है, तुम बस एक बार हाँ कह दो। पहले तुम बताओ, तुम मेरे बेटे को जेल से बाहर निकालने में मेरी मदद करोगे ना? 100% हेल्प करूंगा, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा कादम्बरी। और इतना ही नहीं, मैं तो मिसेस खुराना को भी अरेस्ट करवाऊंगा। अगर क्राइम उसने किया है तो जेल भी वही जानी चाहिए। ये मैंने तुम्हारे लिए लिखा है कादम्बरी, इसे पढ़ लेना प्लीज। सुबह जो तुमने जागृति के साथ किया है ना, उसके बाद से वो अपने कमरे से बाहर ही नहीं आई, अंदर ही है बेचारी। क्या हुआ मॉम, इतनी स्ट्रेस क्यों लग रही हो? नहीं कुछ नहीं। क्या कुछ नहीं, वही होगा उसके बॉस का मैसेज, हम तो उसके बॉस के बंदर बन गए ना। वो कहता है किसी को मार दो तो हम मार देते, वो कहता है डांस करो तो हम डांस करते, अब क्या कहा है तुम्हारे बॉस ने? एक और एक्सीडेंट। आर यू मैड, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? पानी, क्या तुम मेरी हेल्प करोगी? मैं अपनी दी को जस्टिस दिलाना चाहती हूँ। प्रियांश भी जेल में है और जेका तो पता नहीं वो कहाँ है। पानी, मेरे पास ऐसा कोई नहीं है जिससे मैं हेल्प मांग सकती हूँ। पानी, क्या तुम मेरी मदद करोगी? डोंट वरी जागृति, हम लोग हैं ना, हम लोग मिलके सब कुछ हैंडल कर लेंगे। प्लीज तुम स्ट्रेस मत लो, और इनफैक्ट बाय टुमारो मैं पर्सनली सब कुछ देखूंगी। आई कांट इमेजिन, ये औरत मेरी दी से इतनी नफरत करती थी। जागृति, मैंने कहा ना इतना मत सोचो तुम, ये सब बातें यहाँ पे मत करो। ये लोग अभी भी इसी घर में हैं, एंड वी कांट ट्रस्ट देम। ये लोग कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, और हाँ आगे कुछ भी करने से पहले मुझे जरूर बताना, जस्ट इन्फॉर्म मी। बानी, आई एम सॉरी, जब मुझे तुम्हारे और जय के अफेयर के बारे में पता चला तब मैंने तुम्हारे साथ मिसबिहेव किया। आई एम सॉरी। हॉनेस्टली स्पीकिंग, मेरा और जय का कभी अफेयर था ही नहीं। मैंने आराधना से झूठ कहा क्योंकि जय ने मुझे ऐसा कहने के लिए कहा था। क्या? जैने? जैने। और ये रिग्रेट मुझे हमेशा रहेगा कि मैं आराधना को सच नहीं बता पाई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, किसका एक्सीडेंट और कौन है आपका बॉस? मैं तुम लोगों को नहीं बता सकती कि बॉस कौन है, बस इतना बता सकती हूँ कि बॉस का सबसे बड़ा दुश्मन रियांश है और वो अब रियांश को हर्ट करना चाहता है, उसके पेरेंट्स को हर्ट करके। वो चाहता है कि उसके पेरेंट्स को मार दे। हाँ, अगर वरुण हेल्प कर दे तो पॉसिबल है। नो नो मॉम, दिस इज हॉरिबल, हम कोई गैंगस्टर थोड़ा ना है। वरुण 90 लाख, वो सिर्फ तुम्हें देने को तैयार है। मेरा मतलब है गैंगस्टर नहीं तो क्या हुआ,
काम तो कर ही सकते हैं, वैसे कब करना है? This is disgusting. मैं तुम्हें बता दूंगी, तुम बस रेडी रहना. ये बस फाइनल गेम है, आखिरी चाल. इसके बाद हम इस सारे मेस से बाहर हो जाएंगे. आखिरी चाल? क्या करने वाले ये लोग? पता नहीं, पर हमें जल्द से जल्द इन लोगों पे कुछ ना कुछ एक्शन लेना होगा. और जागृति, जागृति, वो तुम्हारी बहन का चौथा कैसे था? प्रेयर तो किया होगा ना तुमने? पता है, मैंने तो बहुत प्रे किया, रियली इतना प्रे किया कि वो तो मेरे सपने में ही आ गई. और मैंने सपने में देखा कि मैं उसके ऊपर चादर डाल रही हूँ और मैंने उसको बहुत आराम से सुला दिया. तुम्हारे अंदर मैनर्स नहीं है? समझ नहीं आता कि किसी का फोन चेक नहीं करते, किसी के मैसेजेस नहीं देखते? So dumb and sick you are. ओ हेलो मैडम, तुम मुझे मैनर्स मत सिखाओ, उल्टा शर्म कर लो. तुम्हारी बहन मर गई है, तुम्हारी माँ की तबीयत खराब है, तुम यहाँ चिट चैट कर रही हो, डेट्स पे जा रही हो. बिल्कुल अपनी बहन की तरह. जागृति, तुमने भी दो दो फंसाए होंगे ना, एक अमीर और एक बहुत ज्यादा अमीर. I'm sure, mom. You know ना, जैसे इस धरती का शेप गोल है, वैसे अपने कर्मा का भी शेप गोल है. सो हम जो करते हैं ना, वो वापस हम तक आ ही जाता है, यू टर्न लेके. और आंटी, आपने आज तक जो भी बुरे काम किए ना, उसका हिसाब आपको यही और इसी लाइफ टाइम में देना है. आई होप अगले एक साल के अंदर आपको आपके कर्मों का फल मिल जाए. तुम अपनी बकवास बंद करोगी? मतलब कुछ भी बोलती रहती हो. सच बोल रही हूँ आंटी मैं. और एक और बात, आप तो हमसे नफरत करते हैं ना, तो अब तक यहीं पड़े इसी घर में. अरे निकल क्यों नहीं जाते आप लोग? और अगर आप गए तो मैं धक्के मार के निकाल दूँ? मारो, मारो ना. 5 फुट की भी हाइट नहीं है तुम्हारी, लेकिन एटीट्यूड देखो, बिग बी के हाइट का है. और तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे इस सो कॉल्ड आलीशान घर में रहने का हमें शौक है? बिल्कुल नहीं. हम भी जल्द से जल्द यहाँ से चले जाएंगे, समझी? तो मैं रहने भी नहीं दूंगी आपको. ट्रस्ट मी, मैं कुछ ऐसा करूंगी ना कि आपको और आपकी फैमिली को ना धक्के मार के फेंक दिया जाएगा. लो, ये खुद ही निकल गई. बताओ मॉम, इस शॉडी का भी बॉयफ्रेंड है, अरे यहाँ मुझे कोई नहीं मिल रहा है. क्या बॉयफ्रेंड? कम ऑन मॉम, गर्लफ्रेंड. ओह, किसका फोन है? मेरे बॉस का फोन है. तुम तो ऐसी बातें करते हो ना जैसा मेरा किसी के साथ अफेयर चल रहा है. मैं ऐसी के साथ कोई अफेयर करेगा भी कैसे? कुछ कहा तुमने? मैं ये कह रहा था कि ये आखिर तुम्हारा बॉस है कौन? ना कभी उसकी आवाज सुनी है, ना कभी उसका चेहरा देखा है. तुम्हें सब पता है आकाश, पर मैं कैसे बताऊं कि मेरा बॉस कभी तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था. हेलो, यस बॉस. व्हाट यस बॉस? कल जब तुम यहाँ से निकली थी तो दरवाजा लॉक किया था क्या? मैंने तुमसे कहा था कि दरवाजा लॉक करके निकलना, तुमने किया. एक छोटा सा काम तुम्हें कहा था करने के लिए, लेकिन नहीं कर सकती. अक्ल कहाँ है तुम्हारे पास? यू नो, आराधना यहाँ से भाग गई है तुम्हारी लापरवाही की वजह से. डू यू इवन रियलाइज कि क्या किया है तुमने? वो बहुत ही स्मार्ट लड़की है, यहाँ से निकलेगी तो सीधा तुम्हारे पास आएगी तुम्हारी चीड़फाड़ करने. तुम तो जानती हो मैंने पूरा चक्रव्यूह रचा है. मैं तो बच जाऊंगा, लेकिन तुम, यू आर फिनिश्ड, यू आर डन. और अपने पति को भी बोल देना कि वो भी नहीं बचेगा, क्योंकि आराधना अब एक घायल शेरनी है, वो किसी को नहीं छोड़ेगी.
क्या हुआ नीता? आपके चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? सब मैंने सब बर्बाद कर दिया। अरे बताओगी भी हुआ क्या है? ओह गॉड, आई एम श्योर वो कभी भी यहाँ पे आ जाएगी। मैं क्या करूँ? मॉम, मैं जाके खोलता हूँ। अरे नहीं, बिल्कुल बंद, दरवाजा खुलना। क्या हुआ मॉम? अरे ऐसा भी कौन आया है? आराधना आई होगी। What? क्या? I'm sure आराधना होगी बाहर। You know नीता, you've completely lost the plot. कुछ भी बोले जा रही हो। मॉम, आराधना जा चुकी है। She is dead. मैं खोलता हूँ। आजी, मैंने तुझे कहा ना, मैंने पूछ तो सही कौन है? दरवाजा खोलिए मिसेस खुराना, हमें सब ठीक करना है। Oh God, वही होगी, हाँ सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैं क्या करूँ? मैं खुद ही जाकर माफी मांगती हूँ। तुम लोगों को, मैं खुद ही चली जाती हूँ। Oh God, वरुण, तू कहीं मत जा, तू इधर ही रुक। मुझे लगता है दिमाग खराब हो गया। जरा देखे तो सही क्या करती है। सॉरी, मेरी सॉरी, एक्चुअली ना मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने तो ऐसे कुछ किया भी। अच्छा है, तो मैं ऐसे ही माफी मांगनी चाहिए। यू, तुम कौन हो? पहले पूरा काम करवाती हो, फिर पैसे नहीं देती हो, रोज बोलती हो कल देती हूँ, कल देती हूँ, किधर है मेरे पैसे? ओह, वो तुम हो। एक मिनट, पैसे दो। इधर है तुम्हारे पैसे, और जाओ यहाँ से। हेलो मैडम, पहले पूरा अपनी अलमारी साफ करवाई, 3 बार अपने स्पेशल चाय बनवाया। 500 रुपए? 500 नहीं, 2000। 2000 रुपए नहीं मिलेंगे बिल्कुल। बिल्कुल हाँ, जल्दी दो, वरना मैं ना यहाँ पे हंगामा मचा दूंगी। ये लो, जाओ यहाँ से, और फिर से अपनी शक्ल मत दिखाना, समझी? जाओ। क्या हुआ है मॉम, क्या करके रही हो? तुझे बड़ी हंसी आ रही है। जब तुझे पता चलेगा ना कि क्या हुआ है, तो तुझे शॉक लगेगा, वो भी बड़ा वाला। अच्छा बताओ क्या हुआ है? वो जागृति अभी गई ना यहाँ से, पनौती लगा कर गई है, कह कर गई है ना हमारे कर्मा वापस आएंगे, तो आ रहे हैं। वो आराधना वापस आ रही है। अरे क्या, कब से आराधना लगा के रखा हुआ है? How will she come back? She is no more. She is alive. वो जिंदा है। मैंने कल खुद उसे देखा है। What? बॉस ने उसे जिंदा रखा है। हम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गए हैं, इतनी बड़ी कि शायद ये प्रॉब्लम हमारी जान ले लेगी। ये औरत तो लापरवाह है, स्टूपिड है, एक काम ढंग से नहीं कर सकती। इसे तो धमकी दे दी है, लेकिन असली खतरा तो मास्टरमाइंड को है, बॉस को। इसलिए कुछ बड़ा सोचना पड़ेगा, जल्दी सोचना पड़ेगा, और आज ही सोचना पड़ेगा, ताकि एक साथ सबका खेल खत्म। लॉयर साहब, प्लीज प्लीज कुछ तो कीजिए, मुझे एक बार रेयान से मिलवा दीजिए प्लीज। अरे ऐसे कैसे बोल रहे हैं आप कि मैं बात भी नहीं कर सकती उससे? हाँ देखिए, रोड पे बड़े बड़े क्रिमिनल्स घूम रहे हैं, और मेरा बेटा तो उस क्राइम के लिए जेल में है जो उसने किया भी नहीं है। प्लीज आप कुछ भी कीजिए प्लीज। देखिए लॉयर साहब, ये हेडलाइंस बन चुकी है, रेयान को जेल से बाहर निकालना ही होगा, प्लीज मेरी हेल्प कीजिए प्लीज। ठीक है, वीरेन, तुम यहाँ? मैंने मना किया था ना, कहा था ना मत आना, तो फिर? कादंबरी, मुझे एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली है, तुम्हारे साथ शेयर करनी थी। इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन? कैसी? मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, रियान से मिलवाऊंगा। इनफैक्ट अब तुम रियान से सिर्फ मिल नहीं सकती, उसे घर भी ला सकती हो। सीरियसली? हाँ,
लेकिन अभी अभी तो मेरी लॉयर से बात हुई है, उन्होंने कहा रियांश की केस बहुत मुश्किल है, मिलना इम्पॉसिबल है। ये नॉर्मल लॉयर्स के बस की बात नहीं है। मैंने अपने कॉन्टैक्ट से बात की, अपने इन्फ्लुएंसर्स को इन्वॉल्व किया, सब मैनेज हो गया है। यू कैन मीट रियांश। मैं अभी मिल सकती हूँ? ऑफ कोर्स, अभी मिल सकती हूँ। ओके, मैं चेंज करके आती हूँ, ओके, देन वी लीव। अच्छा कादम्बरी, ये अपना फोन साथ में मत लेके जाना। क्यों? अरे तुम तो जानती हो ये कोर्ट और जेल के मामले कैसे होते हैं। ऊपर से तुम सेलिब्रिटी हो, लोग सवाल पूछेंगे और हमें कोई ट्रेस नहीं छोड़ना चाहिए, इसलिए बेटर ये रहेगा कि फोन साथ में लेके ना चलो। ठीक है, फोन घर पे ही छोड़ देते हैं। I'll be back. तुम अपने बेटे से मिलने नहीं जा रही हो कादम्बरी, तुम फिनाले खेलने जा रही हो, क्योंकि आज इस गेम का फाइनल राउंड है, लांबाज का फिनाले। रियांश लांबा, तेरे डैड तक पहुंचना मेरे लिए आसान नहीं है, और तेरी वो सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड, वो भी भाग गई है। अब इससे पहले कि वो वापस आकर कोई हंगामा करे, I'll have to make sure तू किसी अपने को लूज करे जो तेरे दिल के बहुत करीब हो, किसी ऐसे अपने को लूज करे जिसका खोना तेरे सीने के अंदर दिल को चीर के रखता है। Wish I could stab you, but क्या करूं, तू नहीं है यहाँ, but no problem, तू नहीं है तो तेरी माँ ही सही है। I'll kill her, I'll kill your girlfriend, मैं आराधना को मारूंगा, उसके बाद तुझे मारूंगा, तेरे डैड को मारूंगा, सबको मारूंगा, I'll kill you all, I'll kill you all, I'll kill you all, I'll kill you। अंकल, ये आप क्या कर रहे हो? मेरी गलती नहीं है, मुझे कुछ नहीं पता, मैंने कुछ नहीं किया। हाँ, मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने कुछ नहीं किया है। ओह गॉड, कन्विक्शन ही नहीं आ रहा, सब कुछ मैंने ही तो किया है। अगर मैं वो दरवाजा लॉक कर देती तो वो पनौती वहां से भागती नहीं, अब वो यहाँ पे आएगी और मेरी तो जान ही ले लेगी। ओह गॉड, मैं क्या करूँ, पता नहीं उसने क्या क्या सुना होगा, पता नहीं उसको क्या क्या पता चला होगा। एक्चुअली मैंने इतने कांड किए, मुझे खुद को पता नहीं मैंने क्या क्या किया है। ये, अब तो मैं मर गई, मेरी तो मौत ही आ गई है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? और तुम्हें तमीज नहीं है, ऐसे ही दरवाजा खोल के आ गई? तुमने दो बार घंटी बजाई थी ना, तो थोड़ा रुक जाती, मैं तो आ ही रही थी ना, या लोगों को परेशान करने में मजा आता है तुम्हें? परेशान तो आप अब होंगी मिसेस खुराना, क्योंकि मैं अकेले नहीं आई हूँ, अपने साथ में ना किसी को लेके आई हूँ, एंड गेस व्हाट, मैंने उसे सब कुछ सच सच बता दिया है कि एक्चुअल में आप क्या है और मुझसे क्या क्या करवाना चाहती थी। तुम ये सब कैसे कर सकती हो? करना पड़ा, आपकी हरकतें ही ऐसी है ना आंटी। ओ, और तुम्हें लगा मैं डर जाऊंगी? मैं नहीं डरती, मिसेस खुराना किसी से नहीं डरती, ना तुमसे ना उस आराधना से। और इस आराधना को क्या लगा था वो ऐसे स्लो मोशन में आएगी तो मैं उसका स्वागत करूंगी? अरे तुम लोगों को पता भी नहीं है कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ, और अगर वो यहाँ पे आ ही गई है ना, तो एक काम करो, उसे अंदर बुला लो। You know what? I want to talk face to face with her. बुलाओ उसे। Last time तो मरी नहीं ना वो। इस बार जरूर मार दूंगी उसको मैं। क्या हुआ? बुलाओ।
अंदर आ जाओ। ये भी क्या कहा आपने? आराधना जिंदा है? और क्या मतलब था उस बात का कि आराधना मरी नहीं है तो मैं उसे मार दूंगी? ये सब आपने करवाया? और आपको ऐसा क्यों लगा कि मैं आराधना को साथ लेके आने वाली थी या उसकी बात कर रही थी? मतलब आप आराधना का वेट कर रही थी? जवाब दीजिए माँ, ये सब कुछ आपने करवाया। बताइए आराधना जिंदा है? जवाब दीजिए माँ, जिंदा है क्या आराधना? अंकल आप ये पिक्चर के साथ क्या कर रहे थे? कुछ नहीं, अब थोड़ा सीने में दर्द महसूस हो रहा था, बट आई एम फाइन नाउ। आर यू ओके? और आपने बताया नहीं, आप दिल्ली कब आए? अरे विक्रम और पूजा, अच्छा हुआ तुम दोनों आए। आपके वीरर अंकल मुझे रियान से मिलने के लिए लेकर जा रहे हैं। व्हाट? हाँ, इन्होंने अपने स्ट्रॉन्ग कॉन्टैक्ट्स यूज किए एंड फाइनली रियांश के साथ एक मीटिंग फिक्स कर दी है। आई एम सो हैप्पी। हाउ आंटी, दिस इज सच गुड न्यूज, कांग्रेचुलेशंस। हाँ, ये तो बहुत अच्छी न्यूज है। चलिए फिर भी आता आप लोग के साथ। हाँ, मैं भी साथ आऊंगी। हाँ। अरे नहीं नहीं, ये बहुत ही सीरियस केस है। बहुत मुश्किल से रियांश की मॉम के लिए मीटिंग अरेंज की है, सिर्फ वो जा सकती है और कोई नहीं जा सकता। अरे अंकल कुछ नहीं होगा, एक बार हम वहां पहुंच जाए ना तो मैं चुपचाप से घुस जाऊंगा बस। ये कोई मार्केट नहीं है जहां तुम चुपचाप घुस जाओगे और किसी को पता नहीं चलेगा। नो। अरे अंकल डोंट वरी, एटलीस्ट मुझे एक बार अपने साथ तो ले चलो। अगर वो लोग नहीं अलाउ करेंगे तो मैं बाहर रहूंगा बस। खुश? हाँ अंकल प्लीज ना, हमें भी साथ ले चलिए। प्लीज अंकल, कम ऑन प्लीज अंकल। बोलो, अगर ये दोनों साथ चले तो मैं कादंबरी की जान कैसे लूंगा या फिर इन तीनों की जान? हाँ चलने दीजिए ना। ओके ठीक है, तुम मेरे साथ चल सकते हो लेकिन उसके आगे मैं कुछ प्रॉमिस नहीं कर सकता। थैंक यू सो मच अंकल। अंकल की बॉडी सेम उस किडनैपर की बॉडी जैसे फील हो रही है जिसने उस दिन ऑफिस में मुझ पे अटैक किया था। अब अंकल आप जिम करते हो? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। विक्रम चलो ना, अब टाइम वेस्ट नहीं करते, चलो जल्दी निकलते। चलिए चलिए। मुसीबत पे मुसीबत, पहले एक का काम तमाम करना था, अब इन सब का करना होगा। बताइए मां क्या आराधना जिंदा है? वो जिंदा है। आप जानती थी कि जब मुझे पता चला कि आराधना के साथ, कितना टूट गया था मैं, कितना अकेला पड़ गया था। बर्दाश्त कैसे हो गया आपसे? और ये सब क्यों किया आपने? अपने बेटे की हालत माँ कैसे देख पाई उसे आप इस हालत में? उसे सच नहीं बता पाई आप? बेटा मैंने मैंने कुछ नहीं किया, मैं सच कह रही हूँ, मेरा मेरा मन नहीं मान रहा था, मुझसे ये सब करवाया गया फोर्सफुली। अच्छा, किसने करवाया? किसने कहा आपसे ये सब करने के लिए? कौन चाहता है आराधना और मैं अलग हो जाए? आराधना को मारना कौन चाहता है? बेटा वो तेरे लिए सही नहीं थी, वो तुम्हारे लिए बनी ही नहीं है। मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचती हूँ, तुम्हारा भला सोचती हूँ, मैंने कोई गलत चीज नहीं की है। तो ये सब आपने करवाया? उसको किडनैप आपने करवाया? उसकी जान लेने की कोशिश की आपने? नहीं, मैंने ये सब नहीं किया, उसने किया है। और उसने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने उसका कहा नहीं माना तो वो हम सबको मार देगा। मैं एक माँ हूँ बेटा, मैं अपने बच्चों के बारे में, मैं अपने परिवार के बारे में नहीं सोचूंगी क्या? नहीं, आज मेरा अपर से सारा विश्वास ना खत्म हो गया है। आप बार बार यही करती है माँ, पहले भी आपने यही किया जब आपने रियान से हाथ मिला लिया था, आज फिर आप वही कर रही हैं। धोखा धोखा, हमेशा धोखा देती हैं आप। मेरी कोई गलती नहीं है, वो तो उसने। कौन है? किसने बोला था आपको ये सब करने के लिए? माँ जवाब दीजिए। पर आराधना को वापस लेकर जरूर आऊंगा,
आराधना कहाँ है? बेटा मुझे नहीं पता आराधना कहाँ है, मतलब वो जहाँ थी ना वहाँ से वो भाग चुकी है, लेकिन वो अभी तक घर नहीं आई। झूठ। माँ। मैं बस हाँ और झूठ नहीं। कहाँ है आराधना? मुझे नहीं पता जय, मैं सच कह रही हूँ मुझे नहीं पता। जय झूठ बोल रही है। मास्टरमाइंड कौन है इन सब चीजों के पीछे का मास्टरमाइंड? किसने करवाई ये सब? माँ उस नाम बताइए, उसका जान ले लूंगा उसकी, अगर आराधना को वापस ला कर ही रहूंगा। कहाँ है आराधना? नाम के उस मास्टरमाइंड को टेल मी, बोलो कहाँ है आराधना? बताइए माँ, जवाब दीजिए, कौन है वो मास्टरमाइंड? ये कौन सी जगह है वीरेन? हाँ अंकल, आप हमें यहाँ क्यों लाए? वो जो हमारी मदद करने वाला है रियान से मिलने के लिए, उसने यहीं बुलाया, वो यहीं आने वाला है। यहाँ? इतनी अजीब सी जगह है ये, इतने इम्पोर्टेंट इंसान को मिलने के लिए ही ऐसी जगह, क्यों? हाँ अंकल, ऐसी जगह पे कौन आता है? वो आता है, वो कोई मामूली इंसान नहीं है, बहुत बड़ा आदमी है, और ऐसे लोग अपने कुछ काम बहुत ही प्राइवेटली और डिस्क्रीटली करते हैं ताकि लोगों को ना पता चले। पर अंकल ये जगह कुछ ज्यादा ही डरावनी सी नहीं है? अंकल वो कब आएंगे? आप लोग यहीं वेट करो, मैं फोन पे पूछता हूँ कि वो कब तक आ रहा है। What's wrong with you? ऐसे चेयर लेकर बैठ क्यों गए? हमें जाना है ना उस आदमी से मिलने। नहीं, मैं नहीं जा रहा हूँ। But don't worry, मैं तुम तीनों को भेज दूंगा। अंकल अब हम तीनों को अकेले भेज देंगे? बेटा वहाँ अकेले ही जाना होता है, वहाँ कोई साथ में नहीं आता। तुम लोग तैयार हो जाओ क्योंकि तुम लोगों के जाने का वक्त आ गया, इसलिए अकेले अकेले जाने की तैयारी कर लो। अंकल ये आप कैसी बातें कर रहे हो, क्या बोल रहे हो आप? वीरेन देखो पहेलियां मत बुझा, पहले बताओ वो आदमी कब आने वाला है। फोन किया था मैंने उसको, उसने कहा, उसने यानी कि यमराज ने कहा ही इज ऑन द वे। यमराज? क्या कर रहे हो ये? हाँ यमराज, जब मौत करीब होती है तो यमराज ही तो लेने के लिए आता है। अंकल, अंकल ये आप क्या कर रहे हैं? अंकल, what's wrong with you? हाँ वीरेन, होश में तो हो? हाँ, क्या कर रहे हो तुम? इन बंदूक नीचे करो पहले। बंदूक नीचे नहीं होगी, अब गन चलेगी और तुम तीनों पे चलेगी। अंकल नहीं। Silence, वरना सबसे पहले तेरे को ही लेके जाएगा। क्या हो गया है तुम्हें वीरेन? क्या कर रहे हो तुम? तुम मुझसे पूछ रही हो? अपने बेटे से उस वक्त नहीं पूछा जब वो मेरी बेटी के साथ खेल रहा था? हमें तुमसे प्यार कितना था? तुम्हें क्या लगा जो कुछ तुम्हारे बेटे ने मेरी बेटी के साथ किया उसके बाद भी मैं तुमसे प्यार करूंगा? नहीं। अगर सोचा जाए तो इस सबकी जड़ में तुम ही हो। यू हैव बीन अ फेलियर एज अ वाइफ, एज अ मदर, यू हैव बीन अ फेलियर। अगर तुमने अपने बेटे की परवरिश ठीक से की होती, उसे अच्छे से बड़ा किया होता तो वो ऐसा नहीं बनता, ऐसी नौबत आती नहीं। यू आर द रीजन, इट्स बिकॉज ऑफ यू कि तुम्हारा बेटा एक मॉन्स्टर बन गया है। इट्स बिकॉज ऑफ यू एंड यू हैव योरसेल्फ टू ब्लेम। अंकल प्लीज हमें छोड़ दो, और इसमें रियान की कोई गलती भी नहीं और आराधना भी तो। शट अप। अरे तुमसे कहा ये दोनों नाम मुझे नहीं सुनने हैं। जस्ट कीप शट। ओके फिर रिलैक्स, तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम है ना, तुम मुझे सजा दे दो, लेकिन
इन दोनों का क्या कसूर है? नहीं छोड़ दो प्लीज प्लीज. नो 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 अंकल नो. इन दोनों का कसूर नहीं है. ये लोग तो बोल रहे थे ना कि हमें भी चलना है. मैं तो मना कर रहा था लेकिन नहीं, छोटे बच्चों की तरह जिद कर रहे थे कि हमें भी चलना है. अब आयो तो भुगतो. खैर बहुत हो गया तर्क वितर्क, अब तो सजा मिलेगी. तुम दोनों डिसाइड कर लो तुम दोनों में से कौन मरेगा, क्योंकि मैंने ये सोचा है कि एक को ही मारूंगा. नो डिसाइड करो जल्दी. अरे अंकल ये क्या बोल रहे हो आप? प्लीज स्टॉप दिस अंकल. अंकल व्हाट आर यू सीइंग? अंकल अब टाइम लग रहा है. ओके जब तक तुम डिसाइड करोगे तब तक मैं कादंबरी को अलविदा कहता हूं. अरे अंकल क्या कर रहे हो आप? अंकल प्लीज स्टॉप दिस. कौन कौन है वहां? यमराज बुलाया था ना, तो देख मैं आ गया. यमराज आया बच्चू. तेरी मौत करीब आई है ना, तो यमराज को आना ही पड़ा. How dare you? फिर इतनी हिम्मत मेरे सामने तुमने मेरी मॉम को हर्ट करने की कोशिश की. Come on, go on. तुम यहां कैसे, जेल से कैसे बाहर आए? ओ, समझ गया. इस लड़की ने निकाला ना, यही होती है हर चीज के पीछे. पनौती है. प्रियांश नहीं, stop it. प्रियांश, आपको सच जानना है ना? तो चलिए मैं बताती हूँ सच. उस दिन जब आप मिसेस खुराना से बात कर रहे थे, जब आप अपने काले चिट्ठे खोल रहे थे, जब आप लोगों को लगा था कि मैं बेहोश हूँ, तो मैं होश में ही थी. और मैंने आप लोगों की सारी बातें सुनी. वरुण को मेरे लिए एक और आखिरी काम करना होगा. क्या? उस दिन आपके जाने के बाद मिसेस खुराना भी चली गई, लेकिन वो चाकू वहीं छोड़ गई जो शायद उन्होंने आप पे चलाने के लिए निकाला था. तो होश में तो मैं पहले से ही थी, और उस चाकू की मदद से मैं वहां से बाहर निकल गई. मेरे बाहर आने की न्यूज तो आपको मिली गई थी, और आपने ये एक्सपेक्ट किया था कि मैं बाहर निकल के सबसे पहले अपने घर जाऊंगी, पर मैंने ये नहीं किया. आपको पता है मैंने क्या किया? हेलो आराधना बोल रही हूँ. आप दोनों की बातें सुनने के बाद मेरे लिए सब कुछ एकदम क्लियर था कि रियांश को क्यों ऐसा लगा था कि जय इस ड्रग केस में इन्वॉल्व है. क्योंकि उसकी मॉम मिसेस कुराना वो इन्वॉल्व थी. और कैसे आपने रियांश को इस सब में फंसाया? और फिर क्यों? फिर मैं समझ गई कि मुझे किससे कांटेक्ट करना है, कौन मेरी हेल्प कर सकता है. कौन, किससे हेल्प ली तुमने? ओ वो खुराना के बेटे से. जैसे हेल्प ली होगी, वैसे ये समझना मुश्किल नहीं है, सबको ही पता है. या तो तुम रियांश के साथ होती हो या फिर जय के साथ. और किसके पास जाओगी, है ना? मेरे पास आई थी. हाँ वीरेन, आराधना मेरे पास आई थी हेल्प मांगने. और रियांश को जेल से बाहर निकालने में आराधना की हेल्प मैंने की है. तुम ऐसा नहीं कर सकती. तुम तो मेरे साथ आने को तैयार थी. तुम तो आज इनफैक्ट लॉयर से भी बात कर रही थी. तो झूठ सिर्फ तुम बोल सकते हो, ड्रामा सिर्फ तुम कर सकते हो. तुम्हें क्या लगा हम झूठ नहीं बोल सकते तुम्हारा सच बाहर निकालने के लिए? और तुम्हारा सच मुझे उसी दिन पता चला था. आराधना के साथ मेरा वो इक्वेशन कभी नहीं बना, कभी गहरा रिश्ता नहीं बना. लेकिन वो लड़की बहुत अच्छी थी, लाखों में एक थी. वो जितना मेरे बेटे को जानती थी ना,
और कोई नहीं जानता था। हाँ आंटी, आराधना बहुत अच्छी लड़की थी। हमने क्यों उसे खो दिया? हम उसे बचा सकते थे, कुछ तो कर सकते थे, बट नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? कितने कितने बेरहम लोग थे वो। राधी को मार दिया और उसकी उसकी बॉडी तक नहीं थी हमें, ना ही उसे आखिरी बार हम देख पाए और ना ही उसका अंतिम संस्कार हो पाया। नहीं पूजे, ये जो कुछ हुआ ना बिल्कुल सही नहीं था। मेरी दी के साथ बहुत गलत हुआ। वो किडनैप पर वो सब कुछ अपनी तरीके से नहीं कर सकता। हमें कुछ तो करना होगा, कोई तो रास्ता निकालना होगा उसे ढूंढने के लिए। एक बार मुझे वो आदमी मिल जाए जिसने आराधना के साथ ये सब किया, छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। वो इंस्पेक्टर भी केस पे ध्यान नहीं दे रहा, उसे तो बस रियांश को ब्लेम करने में ही मजा आ रहा है, ये नहीं कि कोई सबूत या सुराग ढूंढे। आंटी पूजा, उस दिन जब ऑफिस में अटैक हुआ था उस दिन से हमारे पास कोई भी प्रूफ नहीं है ना? मेरे पास है। ये है वो प्रूफ, मैंने पुलिस को नहीं बताया इसके बारे में। ये उस दिन वो फाइट के टाइम मेरे पास रह गई थी। ये उस किडनैपर का है। एक रिंग से हम क्या पता कर लेंगे विक्रम? हाँ विक्रम, एक रिंग से हम क्रिमिनल को कैसे ढूंढेंगे? विक्रम, आर यू श्योर ये रिंग तुम्हें वहां मिली और ये उसी किडनैपर की है? यस आंटी, आई एम 100% श्योर। आई डोंट नो व्हाई, पर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जो कुछ हुआ है ना वो मेरे मामा के एक्सीडेंट से रिलेटेड है। उस दिन उन्हें थोड़ा होश आया था, वो कुछ लिखने की कोशिश कर रही थी। बॉस, पता नहीं उन्होंने बॉस क्यों लिखा, ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ बताने की कोशिश कर रही है। अरे कौन है ये बॉस? बॉस किसका बॉस हो सकता है? जागृति, ये लोग जो भी है बहुत डेंजरस है। हमें ये तक नहीं पता उनका अगला मूव क्या होगा। डोंट वरी गाइस, ये मैंने सॉर्ट कर लिया है। मैं जानती हूँ ये बॉस कौन है। तो वीरेन तुम्हें क्या लगा, सिर्फ तुम स्मार्ट हो? जागृति का मुझे कॉल आया था, उसने मुझे बताया कि आराधना जिंदा है। तो फिर क्या, उसके बाद हम पुलिस स्टेशन गए और हमने सारी इंफॉर्मेशन निकाली जो हमें चाहिए थी। हाँ, और जागृति ने ही सारी इंफॉर्मेशन निकाली। एक खाली वेल की बॉटल, कुछ पेपर्स और बाकी तो ऑडियोज और क्लिप्स तो बानी के पास थी। और सबको लगा कि जागृति अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही है। नहीं, वो अपने दी से बात कर रही थी, आपको पकड़ने की प्लानिंग कर रही थी। और इतना तो हम जानते ही थे अंकल कि जल्दबाजी में आप कुछ ना कुछ गलती तो करोगे, और आपने करते। एक्चुअली देखा जाए तो हम आपके जाल में नहीं फंसे हैं, आप हमारे जाल में फंसे हैं। मैंने हमेशा पूरी लाइफ तुमसे नफरत की, बचपन से, जब मैं तुम्हें जानता भी नहीं तब भी नफरत की, पर आज मुझे तुम पे दया आ रही है। बिकॉज मुझे तो मेरे प्यार ने मुझे पागल बना दिया था, लेकिन आपके प्यार ने आपको बेवकूफ बना दिया। आई एम सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी, गलती हो गई मुझसे, बहुत बड़ी गलती। मैं गुस्से में इतना अंधा हो गया कि समझ ही नहीं पाया कि किस तरफ जा रहा हूं। मैं पैसों की लालच में ये देख ही नहीं पाया कि मैं ड्रग्स के स्कैम में जा रहा हूं। सच में ये दौलत की भूख इतनी अंधी होती है कि इंसान को कहां से कहां लाकर खड़ा कर देती है। पैसों की चमक में मैं उस सही और गलत में फर्क नहीं कर पाया, लेकिन आज एहसास हुआ है मुझे तो बुरा लग रहा है। आराधना बेटा, प्रियांश तो नहीं समझ पाएगा, लेकिन शायद तुम समझ पाओ। मैं मानता हूं कि मैं एक बुरा इंसान हूं, लेकिन मैं एक अच्छा बाप था, अपनी बेटियों से बहुत प्यार था मुझे, और शायद तुम समझ सकती हो कि एक बाप पे क्या गुजरती होगी जब वो अपनी बेटी को खो देता है।
मुझे कैसा लगा होगा। मुझे तो ऐसा लगा मेरी पूरी दुनिया टूट के बिखर गई जब मैंने किमाया को खो दिया। बस बेटी को खोने की आग में मैं बदला लेने पे उतारू हो गया। लेकिन आज मुझे समझ में आया कि मैं गलत था। आराधना बेटा, हो सके तो मुझे माफ कर दे। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूं, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूं आराधना, मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो आराधना, मुझे माफ कर दो। उठो उठो। इस तरफ। वो। मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा रेयांश लांबा। बस अब ये सब खेल खत्म, ड्रामेबाजी खत्म। मुझे सिर्फ सुकून चाहिए। किस लिए किया मैंने ये सब? सिर्फ और सिर्फ सुकून के लिए। पहले मैंने ये सोचा कि आराधना को और तुम्हारी मां को मार के सुकून मिलेगा, लेकिन नहीं। अब मुझे लग रहा है कि तुझे मार के मुझे ये सुकून मिलेगा। ठीक है। Stop it, uncle. Please, आप क्या कर रहे हैं अंकल? प्लीज गाने से कर। नहीं नहीं नहीं, आज तो ये मर के रहेगा, फिर चाहे मुझे जेल जाना पड़े कुछ फर्क नहीं पड़ता। I will kill him. You want to kill me, right? Kill me. Riyansh. चलाइए गोली, शूट मी। अगर आपको लगता कि आपकी बेटी को मैंने मारा है, शूट मी। रियांश, अरे रियांश क्या कर रहे, पागल हो गया क्या? क्या अंकल, प्लीज प्लीज आप गाने चाहिए। रियांश क्या कर रहे हो? रियांश, ये आदमी कहता था कि ये मेरी मॉम से बहुत प्यार करता है, ये उनको मारने को तैयार हो गया। दैट मींस मैंने इनको बहुत तकलीफ दी है, तभी तो ये मुझे मारना चाहते हैं। रियांश क्या बोल रहे हो? रियांश, नो मॉम, मैं सही बोल रहा हूँ। पापों का प्रायश्चित कर लेते हैं। अगर इनको लगता है कि बेटी की जान मेरी वजह से गई है तो मुझे भी जीने का हक नहीं। लेकिन अंकल, मैंने आपको बताया था जब मैं आपकी बेटी के रूम में गया था, वो पहले ही मर चुकी थी, पर आपने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। आपको ट्रस्ट नहीं है ना? गो ऑन, मार दीजिए मुझे। ठीक है, नहीं मारूंगा तुझे। लेकिन हाँ, कुछ ऐसा करूंगा जिससे तुझे उससे भी ज्यादा दर्द हो। आराधना कुछ मत करिएगा। नहीं राधी, बंदूक नीचे करिए। गोली तो चलेगी, पिछली बार नकली गोली चली थी, लेकिन इस बार असली गोली चलेगी और आराधना मरेगी। गुड बाय आराधना। नहीं वीरेन, प्लीज। सॉरी, मैं हम आप जिस गलती की सजा रियांश को दे रहे, उसमें रियांश की कोई गलती नहीं। नहीं जैन, कि माया की मौत रियांश की वजह से नहीं, किकी के इंस्टिगेट करने की वजह से हुई थी। ये सब मुझे तब पता चला जब कोकू ने मुझे सब बताया। रियांश की उसमें कोई गलती नहीं, तुम ठीक जानती हो। भगवान से बस यही प्रार्थना की थी कि एक आखिरी बार तुम्हारा चेहरा देखो। नहीं जय, देखो
भगवान ने मेरी सुन ली। क्यों ऐसे बोल रहे हो जय? रियांश मेरे भाई, I'm really sorry for everything. पर मैंने जो भी किया, इन द एंड मैं बस यही चाहता था कि तुम्हारे आराधना मिल जाए, आराधना हानि और मेरे बीच में कभी कुछ नहीं था, सब बस एक झूठ था। तुमको रियांश को एक करने के लिए, रियांश मेरे भाई, I'm sorry for everything. मेरी आखिरी ख्वाहिश बस यही है कि तुम और आराधना एक हो सको। हमेशा से मेरी चाहत यही थी कि दो प्यार करने वाले थे एक हो जाए, बस यही। नहीं जाए, प्लीज। मेरी वजह से मेरा बेटा मैंने खो दिया। कौन बॉस? बॉस आपने मुझे बुलाया? आई थॉट वो स्टोरी तो अच्छी थी, I mean, होली आ रही है तो हमने सोचा हैप्पी स्टोरी करके फैमिली टीआरपी भी मिल जाएगी, पर आप खुश नहीं है क्या स्टोरी चेंज करके? टर्मिनेशन लेटर किस लिए बॉस? अब मैंने क्या किया बॉस? You're terminated. हाँ, पर मैंने किया क्या है बॉस? मुझे ना पता चला है कि आपकी शादी होने वाली है और आपके घर वालों की कंप्लेन है कि आप शादी की तैयारियों में ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। किसने कहा? आप नाम बताइए। मैं शादी का सारा काम कर रहा हूँ, आज ही मैंने कैटर को फोन किया और फिर क्या किया मैंने? ओ हाँ, मैंने एक और जरूरी काम किया, मैंने इलेक्ट्रिशियन को फोन किया। अरे वाह, शादी में इतने सारे काम होते हैं और आप हैं कि आपने केटरर्स और इलेक्ट्रिशियन को फोन किया, बस। काम होता है, काम तो किया बॉस। इसीलिए ये टर्मिनेशन लेटर। अब जब तक आप शादी का सारा काम नहीं कर लेते, जब तक मुझे आपकी होने वाली बीवी से अच्छे रिपोर्ट्स नहीं मिल जाते, तब तक ऑफिस नहीं आना है। सीरियसली? यस। ओके, एज यू विश बॉस। कल से शादी का काम सारा मुझको दे दो, मैं सब कर लूंगा। गुड जॉब। ये क्या किया आपने? आउच, क्या हुआ? इतने नाजुक हैं आप। बॉस का एम्प्लॉय के साथ ये सब करना सही है? ओ हेलो, मैंने अपने एम्प्लॉय के साथ नहीं, अपने हस्बैंड के साथ किए। ओके, ऐसा। अरे रुको, कॉफी लाते हैं। अरे शेरी, किसने कहा था भीगने के लिए? ठंड लग गई ना। बारिश का मौसम था, उसमें से तुमने इतने अमेजिंग पकोड़े बनाए थे, तो भीगना तो जरूरी था ना। बस भक्ति माँ फाइली चलने लग गई है, तो मुझे उन्हें भी तो बारिश दिखानी थी ना। अब तुम बॉस हो तो तुम्हें टाइम मिल गया कपड़े चेंज करने का, हम सिंपल मजदूर है, हमें टाइम कहाँ मिलेगा। आँख भर आई।
रियांश, इन बरसातों ने हमें कितना कुछ सिखाया ना। हमारा प्यार एक तूफान जैसा था, तूफान में अक्सर लोग बिछड़ जाते हैं, पर हमारे प्यार के तूफान ने हमें मिला दी। पता है, इन बरसातों में मुझे सबसे ज्यादा क्या रियलाइज हुआ? क्या? कि मुझे ये चाय पकौड़े लॉन्ग ड्राइव ये सब कुछ नहीं चाहिए, मुझे तू चाहिए। फिर वही दिन, वही रातें, वही बरसातें और हमारे प्यार का मौसम, और उस मौसम में हम। और मुझे क्या चेंज बरसातों में पता? क्या? तुम्हारी स्माइल। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.